अभी आसिफ कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहा। एक मिनट रुको। काम से जा रहे हो तो ये कार्ड रखो अपने पास, इनसे भी मिल लेना जाके। किस लिए? तुम्हारी जॉब के सिलसिले में। रहने दे भाईजान, हमें आपका एहसान नहीं चाहिए। नहीं, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। एहसान ही तो है भाईजान, कल तक तो आप हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख रहे थे, और आज जब खसियानी बिल्ली खम्बा नोचने लगी तो आपको मेरे बेटे का ख्याल आ गया। अच्छे से जानती हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप कल रात वाली बात पे मिट्टी डालना चाहते हैं ना? क्योंकि आपको भी अच्छे से मालूम है जो आपने और आपकी लाडली बेटी ने कहा था ना, वो सरासर इल्जाम था मेरे बेटे पे। अगर मैं ये समझता होता ना कि मेरी बेटी ने कोई इल्जाम लगाया है, तो मैं तुम्हारे बेटे की सिफारिश उसकी नौकरी के लिए कभी भी ना करता। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि ये जो मेरी इकलौती बहन है ना, इसके सर पे एक आसरा आ जाए, इसका ये बेटा किसी काम पे लग जाए। अगर तुम नाराज हो ना मुझसे कल वाली बात पे, तो रहो नाराज, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं नाराज होना चाहूं तो मेरे पास 100 बातें हैं तुमसे नाराज होने के लिए। तुझे क्या जरूरत थी ये लेने की? अम्मा समझा करो, इतने दिन से मामू को मनाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन वो नहीं मान रहे, ये मौका कैसे आज से जाने दूंगी? मरियम, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आप ही, वो मैं बोर हो रही थी तो बुक पढ़ रही थी। पहली दफा सुन रही हूँ कि घर में रहकर बोर हो रही हूँ। इतने काम होते हैं, मुझे तो लगता है कि दिन में घंटे कम है और काम ज्यादा। आप एक बात पूछूं? आपका दिल नहीं करता क्या आप भी कहीं बाहर जाएं? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है इतनी गहमा गहमी है दुनिया में, जैसे हर कोई किसी ना किसी रेस में दौड़ रहा है, या कोई फ्लाइट पकड़नी है, या बस स्टॉप पे जाना है, बस पकड़नी है या ट्रेन। मुझे नहीं बर्दाश्त होता। मैं बहुत खुश हूँ अमन सुकून से अनीला हाउस में। तुम भी हो जाओगी, आदत पड़ जाएगी तुम्हें। ठीक, कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, वो अनम से बहस हुई थी कोई? आप एक्चुअली गलती मेरी थी, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था। मैं मानती हूँ वो सबसे छोटी है तो इसलिए जरा स्पॉइल्ड है, और तुम तो बड़ी हो तो अच्छा होगा कि तुम उसे माफ कर दो। जी जी आप, मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया। और घर पे सब कुछ ठीक है? जी आप, सब ठीक है माशाल्लाह। मेरी बात हुई थी अम्मी से। ओठी मिली? नहीं। चलो तुम टेंशन ना लो, मिल जाएगी। कैसे मिलेगी आप ही? अगर मिलनी होती तो कहीं ही मिल जाती। अच्छा, अगर तुम घर पे बहुत बोर हो रही हो तो जाओ अपनी अम्मी को मिलाओ, इस तरह अम्मी का दिन भी बहल जाएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। Thank you.
सलाम अलैकुम दादो। अरे अच्छा हुआ कि तुम आ गई हो। ये क्या पी रही हैं आप? चाय, बड़ी मुश्किल से जहरा से बनवाई है। अब आपकी ना कोई भी मिन्नत नहीं मानी जाएंगी। अरे मरियम बेटा ऐसा ना करो, चंद दिन रह गए, मुझे अपने शौक पूरे कर लेने दो। दादो आपकी इन डिप्रेशन वाली बातों के बाद तो ना आपकी चाय बिल्कुल बंद है। अच्छा चलो, तुम कहती हो तो मैं नहीं करती। अभी आप कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई। और तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई आने में? दादो यासिन ने मुझसे मार खा लेगा, आप ही आपको पता है मैं एक घंटे से कोचिंग में इसका वेट कर रही हूँ। लेकिन नहीं, फुटबॉल के मैच के चक्कर में बहन को लेना भूल गया और मैं अभी ऑटो में आई हूँ, आपको पता है। तुम्हारे अब्बा से कह के ना इसकी मैच तो मैं बंद करवाती हूँ। दादो आपको पता है ना यासिर का फुटबॉल के बगैर कोई गुजारा नहीं होता। और तुम बताओ तुम्हारी स्टडीज कैसी जा रही है? बहुत टफ, क्योंकि अगले मंथ से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। दिल लगा के पढ़ाई करना, ठीक है? अब कहाँ इसका ध्यान होगा पढ़ाई पे, अब मंगनी जो हो गई है। दादू मुझे ना कभी कभी लगता है हमारे दादू नहीं हमारी बेस्ट फ्रेंड है ना? अच्छा मरियम, शहीर से बात हुई, वहां सब ठीक है ना? जी दादू, सिर्फ 10 की बात हुई थी शहीर से, सब ठीक है। और तुम्हारे घर, वहां तो किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं नहीं दादू, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। बल्कि अनिला आपी ने मुझे कहा था कि जाओ सबसे मिलाओ घर में जाके। अपिया आपको यहाँ आने के लिए उनसे पूछना पड़ता है? नहीं वो मैं तो बता कर आई होगी, तुम खामखा बात को पकड़ कर बैठ जाती हो।